नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास तौर पर। मदारी के जैसा खेल का चालू किया है क्या? कभी मदारी कैसा डमरू बजाता है और बंदर को नचाता है, वो नाच नचा रहे क्या इन लोग? मतलब आपका कहना है कि बंदर के जैसा, बंदर के जैसा मदारी क्या ये नचाते हैं? बंदर के जैसा सत्ता पक्ष, यही बात है मेरी, बाकी कुछ नहीं। और उन लोग का ये नहीं समझना चाहिए कि कुर्सी पे बैठे किसके वजह से, हम लोग के वजह से बैठे हैं और आज हम लोग को तकलीफ दे रहे हैं। जब पानी नहीं दे सकते तो ये अनाज क्या देंगे? ये पहले हुए कुत्ते हैं सब। विरार महानगर पालिका क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या जो है उसको लेकर कई बार आंदोलन, उपोषण और बड़े बड़े मोर्चे हो चुके हैं, लेकिन आज यह मामला यहां से निकलकर मुंबई तक पहुंच गया। जी हां, वसई विरार क्षेत्र में सूर्या डैम का पानी छोड़ने को लेकर एमएमआरडीए द्वारा तैयार किए गए सूर्या प्रकल्प से 185 एमएलडी पानी छोड़ने में देरी की जा रही है और उसी के चलते आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने एमएमआरडीए के कार्यालय के बाहर बांद्रा में एक बड़ा आंदोलन किया, मोर्चा किया, जिसकी तस्वीरें और विजुअल आप देख सकते हैं। इस मोर्चे में सिर्फ वसई विरार नहीं बल्कि पालघर जिले के कई शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे और उन्होंने वहां पर जमा होकर बड़े लेवल पर यह मोर्चा किया। इस मोर्चे के बाद शिवसेना के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, आप तस्वीर और विजुअल देख सकते हैं। कहीं न कहीं वसई विरार क्षेत्र में पानी को लेकर बार बार राजनीति होती रहती है और इस बार फिर वसई विरार राजनीति का शिकार हो रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सूर्या प्रकल्प इस समय तैयार है और सिर्फ राह देख रहा है उद्घाटन की। तो कहीं न कहीं उद्घाटन कौन करेगा, कब होगा, इसका समय नहीं मिल पा रहा है और एमएमआरडीए जानबूझकर उद्घाटन की राह देख रहे इस प्रकल्प को चालू नहीं कर रहा है। इसी चीज से आहत वसई वासी आज बांद्रा पहुंचे और बांद्रा में जाकर एमएमआरडीए के कार्यालय के बाहर उन्होंने आंदोलन किया। बाद में इन पदाधिकारियों ने एमएमआरडीए के अधिकारियों से मुलाकात करके उनको एक ज्ञापन भी सौंपा। क्या कुछ हुआ इस पूरे मोर्चे में, उसको देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वसई विरार में पानी का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को आज से नहीं कई सालों से भुनाया जा रहा है, तो इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ राजनीति का शिकार होता रहेगा वसई विरार? ये बात कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। तकलीफ पानी की है और पानी के लिए बहुत सही विरार से यहाँ पर तक हम लोग आए हैं और इन लोग इधर बोलते हैं कि हम पास हो गए, तुम्हारा पानी इधर दिया है तुमको, तुम्हारे लोग लेते नहीं, क्यों नहीं लेते? मदारी के जैसा खेल का चालू किया है क्या? कभी मदारी कैसा डमरू बजाता है और बंदर को नचाता है, वो नाच नचा रहे क्या इन लोग? मतलब आपका कहना है कि बंदर के जैसा मदारी क्या ये नचाते हैं? बंदर के जैसा सत्ता पक्ष,
यही बात है मेरी, बाकी कुछ नहीं। और उन लोग का ये नहीं समझना चाहिए कुर्सी पे बैठे किसके वजह से, हम लोग के वजह से बैठे और आज हम लोग को तकलीफ दे रहे हैं। जब पानी नहीं दे सकते तो ये अनाज क्या देंगे, ये पहले हुए कुत्ते हैं सब। आम्ही पाण्याची घरपट्टी नाही भरली की आमचे कनेक्शन कापतात, महिना एक महिन्याची घरपट्टी दोन महिन्याची नाही भरली की कनेक्शन कापतात, नोटीस देतात। नंतर पाण्याविषयी म्हणजे चार चार दिवस पाणी येत नाही आम्हाला, महिला जो भी पाणी मिळतं मिळतंय, वो भी पाणी नाही मिळतंय, आधा घंटा मिलता है, कभी 15-20 मिनट मिलता है, वो भी एक चार चार तीन तीन बजे पानी आता है। कितने बजे पानी मिलता है? रात को 3 बजे पानी आता है। रात को 3 बजे पानी मिलता है, गटर का पानी देते हैं, वो भी काला पूरा पानी देते हैं। पानी रहता है गटर का पूरा पानी आता है। आप लोग कभी इस विषय में आवाज उठाते हैं? हाँ उठाते हैं, उधर मोर्चा भी निकालते हैं। वहाँ का सत्ता पक्ष क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलते, आएगा आएगा करके कुछ कोई नहीं सुनता है। उधर के MLA सोए हैं, प्रशासन नहीं ध्यान देते इसके लिए, तो हमें इधर आना पड़ा ना। आपण कुठं आलेत? एवढा लांब आपको पाणी मिळतंय? पाणी के विषय में, पाणी जल का जीवन है और पाणी के लिए हम लोग वसाई विरासत जाते यहाँ पे है। ये लोग पाणी नाही देत तो खाना क्या देंगे? ये लोग आदमियों का पूरा भूखा मार रहे है, पाणी के लिए हम लोग पूरा दिन भर पूरा भाग रहे है पानी के लिए, लेकिन पानी वसाई भी नहीं, पानी नहीं है। आपको कितना मिनट पानी और कितना घंटा पानी मिलता है? कुछ घंटा भी नहीं है, मिनट की बात छोड़ो। अच्छा रोज मिलता है पानी आपको? पानी कुछ मिलता नहीं है। कितने दिन पे पानी मिलता है? पानी हमको 4 दिन पे पानी मिलता है। कितने दिन पे? 4 दिन पे पानी मिलता है। इनकी समस्या है 4-4 दिन पे पानी मिलता है, 4 दिन पे पानी। सोचिए कितनी दुख की बात है, जब आप पानी नहीं दे सकते तो देखिए हमारे बीच में कोई सूचना के पदाधिकारी है, बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो आज ये धरना, ये जो यहाँ पे धरना है, ये लोग स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं जी। आज उनके घर में पानी, जब हमारा पानी आता है 5 मिनट जो पानी भाई साहब हमारे बताए, वो पानी के अंदर ही मच्छी आती है, कई कलर के पानी आते हैं। ये ऐसा पानी अगर ये अधिकारी को, ये भ्रष्ट अधिकारियों को अगर दिया जाए पीने के लिए, और इनको बोले एक हफ्ते आके उस सेम एरिया हमारे रहकर है, तो उनको समझ में आएगा इनका दर्द। इनका दर्द इनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम जगाने के लिए वसई विरार से बांद्रा तक ये लोग आए हैं। ये आम जनता है, 7 बजे सुबह उठ के यहाँ तक आई है। आप समझ सकते हैं कितनी समस्या होगी, इस समस्या का समाधान ये निवारण नहीं कर रहे हैं। होने के बाद भी ये टैक्स भरे हुए हैं, इनके घर पट्टियां लगी हुई हैं, इनके टैक्स भरने के बाद मीडिया का काम हुआ है, फिर भी ये भ्रष्ट अधिकारी वहाँ आके वो पानी चालू नहीं कर रहे हैं। चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।